बात करेंगे पाकिस्तान को भारतीय क्रिकेट टीम ही बचा सकती है। बेहाल पाकिस्तान में फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। पाकिस्तान हर कीमत पर चाहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम वहां पर आए, मैच खेले ताकि कुछ पैसे बन जाए। लेकिन भारत साफ कर चुका है कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चलेंगे। हर कीमत पर भारत को बुलाना चाहता है पाकिस्तान। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को लेटर भी लिखा है और कहा है कि टीम इंडिया चाहे तो हर मैच खेलकर लाहौर से स्वदेश लौट सकती है। अगर इंडियन टीम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती है तो हर मैच के बाद चंडीगढ़ या फिर दिल्ली वापस जा सकती है। दो मैच के बीच लगभग एक वीक का डिफरेंस है, इसीलिए भारतीय टीम वापस जा सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक है। मैच लाहौर कराची रावलपिंडी में है। भारत के मैच सीमा के पास लाहौर में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस जो है वो वहाँ पर आ सकें। वनडे वर्ल्ड कप 1996 के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान को किसी ICC इवेंट की मेज़बानी दी गई है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर की पाकिस्तान यात्रा के दौरान भी भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने पर चर्चा हुई थी। अजय शंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच कई बार बातचीत के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया था। इस यात्रा के बाद PCB की उम्मीदें जागी हैं। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम का पार्टिसिपेट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी और देश में हो। अगर रोहित शर्मा की ब्रिगेड पाकिस्तान नहीं जाती है तो PCB और ICC मिलकर किसी और जगह पर मैच प्लान करेगी, क्योंकि अगर इंडियन टीम इस मैच में नहीं होगी तो मैच में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। तो PCB का BCCI को लेटर, टीम इंडिया चाहे तो हर मैच खेलकर लाहौर से स्वदेश लौट सकती है। अगर इंडियन टीम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती है तो हर मैच के बाद वो चंडीगढ़ या फिर दिल्ली वापस जा सकती है। दो मैच के बीच लगभग एक वीक का डिफरेंस है, इसीलिए भारतीय टीम वापस जा सकती है। इस तरह से मैच प्लान किए गए हैं। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान बुलाना चाहता है PCB। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होनी है और आपको बता दें कि इसके मैच लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होने हैं। PCB ने भारत के साथ मैच के लिए लाहौर को का जो वेन्यू है वो चुना है क्योंकि ये इंडियन बॉर्डर के पास है। भारत के 3 मैच शेड्यूल हैं, जिनमें से बांग्लादेश के साथ 20 फरवरी को, पाकिस्तान के साथ 23 फरवरी को और 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ मैच होना है। ड्राफ्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग संभावित सेमीफाइनल और फाइनल के साथ भारत के सारे मैच लाहौर में होने हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मेन मैच जो है वो 1 मार्च को होना है, लेकिन ऐसे में ये मैच खेलती हुई टीम इंडिया नजर आएगी या नहीं है ये बड़ा सवाल है। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ राणा बाबर हयात वरिष्ठ खेल पत्रकार जुड़ गए हैं। रिजवान हैदर क्रिकेट विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। लेकिन सबसे पहले मनोज जोशी जी, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी, क्या लग रहा है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जिसमें पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत की टीम यहां पर खेलने आएगी। अभी फिलहाल कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से BCCI को एक लेटर ज़रूर लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर टीम चाहे तो मैच खेलकर वापस भी जा सकती है, क्योंकि मैच जिस तरह से शेड्यूल किए गए हैं एक वीक का गैप है। देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो वही काम कर रहा है जो एक होस्ट को करने चाहिए, मेज़बान को करने चाहिए। अगर हम होते तो शायद हम भी यही काम करते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो MOU है, MOU यानी ICC के जो ने MOU पर जो साइन किए हैं सभी सदस्य देशों ने, उसमें बहुत साफ तौर पर एक सुरक्षा की चिंता भी जाहिर की गई है कि अगर आपको कहीं कोई सुरक्षा की कोई चिंता है, सिक्योरिटी का कोई क्लॉज है तो आप वो बताएं और उसको फिर हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया जा सकता है। और हाइब्रिड शब्द भी जो है हमने सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही सुना था, नजम सेठी साहब के समय में, एशिया कप के दौरान वो बड़ा कामयाब भी रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त की नज़ाकत है, वक्त की ज़रूरत है, और उसके बिना कोई भी आयोजन अगर पाकिस्तान में होता है
तो उसमें भारत की भागीदारी, क्रिकेट की भागीदारी मैं कह रहा हूँ, तो वो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक अन्य मौके पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं और भारत के जो गृह मंत्री हैं, दोनों ने बहुत साफ तौर पर कह दिया था कि आप भूल जाइए पाकिस्तान जाना, भारतीय टीम का वो तो संभव ही नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये बयान बीसीसीआई की तरफ से अभी नहीं आया, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक उम्मीद अभी तक बाकी है कि ये सब बातें मीडिया द्वारा संचालित की जा रही हैं। असल में बीसीसीआई जब तक कोई बयान अधिकृत तौर पर नहीं देता, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, कि तब तक उसे अंतिम नहीं माना जा सकता। और लेकिन जो हमने हकीकत बताई, ग्राउंड रियलिटी बताई, वो यही है कि गृह मंत्री, विदेश मंत्री अपने पहले ही बयान दे चुके हैं, और अभी जो जयशंकर साहब वहाँ गए थे, वहाँ जो कुछ बातचीत हुई, जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया, या ये कहिए कि मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ मौजूद थे, विदेश, पाकिस्तान के विदेश मंत्री साहब के साथ जब इनकी मीटिंग हुई थी, लेकिन जो भारत में विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा, रणधीर जायसवाल साहब ने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग तो हुई, लेकिन इस पर कोई, क्रिकेट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो अब ये थोड़ी दो विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं जी। यानी मीटिंग तो हुई, लेकिन क्रिकेट को लेकर, टीम आएगी या नहीं इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, जिस तरह से मनोज जी हमें जानकारी दे रहे हैं। राणा बाबर हयात जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, कैसे देख रहे हैं आप इस चैंपियंस ट्रॉफी को, लिए पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये चैंपियंस ट्रॉफी, भारत का आना कितना ज़रूरी है, हालांकि भारत आएगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने पाकिस्तान, या फिर वो हाइब्रिड का जिक्र कर रहे हैं जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से दूसरे देश में ये चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भारत की टीम पाकिस्तान आए और आकर यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की टीम भारत गई और जाकर पाकिस्तान की टीम ने भारत में जो वर्ल्ड कप है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो पाकिस्तान का तो हर क्रिकेट फैन ये चाहेगा कि भारतीय टीम यहाँ पे आए, लेकिन वहाँ एक बड़ा मुद्दा है, सामने पाकिस्तान आना एक बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा जी, मेरी देखिए, मेरी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज, बोलिए। मुझे, मैं सारी चीजों को इसमें जो भी एक दो मिनट है उसमें मैं आपके सामने पेश करूंगा, आपके सामने मुद्दा रखूंगा। बात यह है कि अभी पाकिस्तान में एक SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कॉन्फ्रेंस कोई पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, दैट वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व थे, ठीक है। और उसमें भारत की तरफ से पहले हमें ये खबर मिल रही थी कि शायद कोई भी ना आए, इस SCO कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया जाए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं जी, भारत उसमें ना सिर्फ आ रहा है बल्कि भारत का एक जो है वो हायर डेलीगेशन आ रहा है, जिसकी सरबराही यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो कर रहे हैं, और वो यहाँ पे आए और आकर उन्होंने यहाँ पर उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट किया और बड़ा खुश होके गए वो कि भारत ने बहुत अच्छी तरह से इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। और ऑब्वियसली जाते हुए वो कुछ अच्छी यादें भी छोड़कर गए, उन्होंने अपने ट्वीट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर का और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया भी अदा किया फॉर द हॉस्पिटैलिटी। और बीच में उनकी मुलाकात भी हुई, अब तो ऑब्वियसली इंडियन मीडिया भी इसको कंफर्म कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया ने तो पहले ये खबर ब्रेक की थी कि इसहाक डार और जयशंकर के दरमियान मुलाकात हुई। अब बात यह है कि ये एक बिल्कुल, इसको हम एक टेस्ट केस सिनेरियो के तौर पे लेते हैं, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अगर इसमें एस जयशंकर साहब पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो मेजरमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनके ऊपर भरोसा करके पाकिस्तान आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पाकिस्तान के कुछ हायर ऑफिशियल्स के साथ वो कुछ चिटचैट से ज्यादा बेहतर बातचीत भी कर सकते हैं, तो आई थिंक सो कि फिर सिक्योरिटी की बुनियाद पर मेरे ख्याल में फिर टीम इंडिया को भी जो है वो ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके एक फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे इस्लामाबाद में आके काम कर चुके हैं, रह चुके हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक की वो तस्वीरें भी शेयर कर चुके हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि जो भी टीम यहाँ पे आएगी, ऑलरेडी इंग्लैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान में खेल रही है, एंड दे आर प्लेइंग इन मुल्तान, नॉट इन लाहौर, ठीक है, प्लेइंग इन मुल्तान और रावलपिंडी। अब पिछले कुछ वक्त मैं ये कंप्लीट कर दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऑफर कर रही है कि हम आपको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी फराहम करेंगे, जस्ट लाइक
जिस तरह से हमने एस जयशंकर साहब को प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी फराहम की और वो सुकून से दो दिन यहां पे रह के गए, प्लस अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि चलिए अगर आपको सिक्योरिटी का भी कोई मसला है, नहीं यकीन आ रहा हमारे ऊपर, हालांकि आपके विदेश मंत्री यहां से होके गए हैं, नहीं यकीन आ रहा, तो फिर ये कर लेते हैं, आपने अपनी बात के लिए और चले जाइए। ठीक है, अब इस पर बीसीसीआई डिसाइड करेगा कि क्या फैसला होगा बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन मेरे दो सवाल हैं यहाँ पर, वो दो सवाल ये हैं कि अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पर आए थे तो वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ समिट के लिए, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि साफ ये कह दिया गया है कि आतंकवाद और अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक लेवल पर नहीं हो सकती। उसी तरह से हम कह रहे हैं कि एक तरफ आप क्रिकेट की उम्मीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जिस तरह की बॉर्डर्स पर हम गतिविधियां देखते हैं, अगर उस तरह के हालात रहेंगे तो वो दोनों चीज़ें भी एक लेवल पर नहीं रह सकती, उन दोनों को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। या तो वहाँ पर आप रिश्ते सुधारिए या फिर आप फिर ये भूल जाइए कि भाई टीम वहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि आतंकवाद को लेकर हर मुद्दे पर भारत खड़ा रहा है और हर मुद्दे पर हमने बात रखी है कि आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, किस तरह के हालात इस्लामाबाद, रांची, रावलपिंडी में वहाँ पर रहे, आप सोचिए 4 दिन का लॉकडाउन एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान को लगाना पड़ा। देखिए, उसके बावजूद इन सारी चीज़ों पे जो आप फरमा रही हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लाहौर में हालात बुरे रहे, कराची में बुरे रहे, इस्लामाबाद में बुरे रहे, उसके बावजूद एस जयशंकर आए और वो एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए आए, वो साफ किया गया एससीओ समिट के लिए वो आए, पर किसी भी तरह की कोई बातचीत, द्विपक्षीय बातचीत जिसका जिक्र, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, आप नवाज शरीफ की तरफ से, पूर्व प्रधानमंत्री आप लोगों की तरफ से उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन वो एससीओ समिट की बैठक में थे। आप तो हुकूमत की नुमाइंदा नहीं है ना, ना मैं पाकिस्तान हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, ना आप इंडियन गवर्नमेंट की नुमाइंदा है। दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, इनको डिसाइड करना है। हम तो वो बात कर रहे हैं कि जो होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर ये जो आप जितने मुद्दे बता रही हैं कि टेररिज्म है, जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सारी चीजें आप जो बता रही हैं, चलिए एक बार हम इसको मान लेते हैं, लेकिन इसका हल बैठ के ही निकलेगा ना। इसका हल एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा के कितने अरसे से लगा रहे हैं, कोई हल निकला है इसका? हल तब ही निकलेगा जब दोनों देशों के बड़े मिलकर बैठेंगे, इसके ऊपर कुछ चीजें तय करेंगे कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। अगर ये चीजें नहीं होंगी बातचीत के बगैर, तो कोई मसला हल नहीं होता ना। लेकिन बातचीत को लेकर भी क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जाना चाहिए? शिमला से लेकर लाहौर समझौते बातचीत करके देखा तो उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ, हमारे साथ और भी खास मेहमान है, रिजवान हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट पाकिस्तान हमारे साथ जुड़े हैं। रिजवान हैदर जी, इस चैंपियंस ट्रॉफी को आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान को क्या उम्मीद है इससे? जी, बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया, 96 के वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी की एक बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हिस्से में आई है, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और पीसीबी चाहेगा कि इंडिया जरूर आए यहाँ पे और आके इस पे पार्टिसिपेट करे। आई अंडरस्टैंड के बीच में पॉलिटिक्स, दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं नहीं, बल्कि हैं ही नहीं आजकल तो। लेकिन पाकिस्तान भी पिछले साल जैसे बताया बाबर साहब ने कि गया इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब देखिए, आई अंडरस्टैंड आप जो बात कर रही हैं कि आपके रिजर्वेशन है, हुकूमत ने कहा हुआ है कि जब तक दहशतगर्दी नहीं रुकेगी या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। लेकिन फिर यहाँ से फिर बोल्ड स्टेप लेते हुए फिर आप फिर हमें बोल दें कि जी हम आपकी टीम को भी वेलकम नहीं करते। जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप था तो तब तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की। पाकिस्तान लास्ट टाइम बायलैटरल सीरीज भी खेलने गया था इंडिया 2013-12 में, तो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान जाके वहां पे सीरीज खेल के आया। लेकिन जब जब पाकिस्तान की बारी होती है
तो तभी हमें ये मसाइल क्यों देखने को मिलते हैं या इस तरह की बातें देखने को मिलती भाई देखिए पाकिस्तान की टीम रिजवान हैदर जी पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया आती है तो मुझे नहीं लगता सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होता होगा। किस तरह से यहाँ हैदराबाद में वेलकम हुआ आप सब जानते हैं, आपके टीम के तमाम हमने क्रिकेटर्स को देखा उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। सुन लीजिए आपने बोला है और पाकिस्तान को इंडिया खेलने आना है या नहीं आना है ये आपकी आपका क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा, इंडिया नहीं कि हम वेलकम ही नहीं करें, आप आएंगे तो स्वागत ही है ना। ठीक है दो बातें आपकी, एक पहली बात आपकी होगी जो आप कह रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है तो पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वहां पे गया फिर आपने बोला सिक्योरिटी का मसला है पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रहा, तो सिक्योरिटी का ये अंडरस्टैंड कि जब इंडिया आएगी तो जाहिर है कि मजीद सिक्योरिटी उनको डिमांड होगी उनकी, जैसे बाबर साहब ने बताया सारी टीमें मोर और लेस सारी टीमें आ रही हैं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें आसानी से आती नहीं, पहले उनकी पूरी टीम्स आती हैं आके पूरे वो चेक करके जाती हैं, जाके फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराती हैं कि जी हाँ हम जाके होके आए हैं और हमारी जो मर्जी के मुताबिक जिस तरह के इंतजाम हैं वैसे हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी की ऑफर दी गई है और उसके बावजूद अभी जितना पाकिस्तान इसमें बेहतर से बेहतरीन किस्म का सुजेशन दे सकता था कि आप आइए मैच खेलिए चार्टर तैयारा और जाहिर है कि उसका खर्चा वगैरह जो भी पाकिस्तान या आईसीसी जो भी हिसाब किताब होगा वो देखेंगे, आपको बहुत ही वीवीआईपी तरीके से आप आएंगे आके आप मैच खेलेंगे और वहां से जो भी 35-40 मिनट की फ्लाइट है दोबारा इंडिया वापस चले जाएंगे और ये 2-3 बार और अगर फाइनल और सेमीफाइनल में भी इंडिया पहुंचता है तो ये प्रैक्टिस 4-5 बार होगी। तो आप इससे भड़के और क्या सिक्योरिटी का कोई, मेरे ख्याल में आप भेजिए ना, आप अपनी आपने भेजे जैसे शंकर साहब अभी आए थे तो वो बेशक के लॉकडाउन था जैसा भी था तो 2 दिन वो ठीक ठाक रह के गए और आप भेजिए अपनी जिस तरह की भी टीम भेजनी है वो आके जाके रिपोर्ट सबमिट करवाए, आप कोई रिजर्वेशन सामने रखेंगे तो फिर बात चलेगी ना। अब खाली हवाई बातें कि टेररिज्म की बुनियाद पर नहीं आना तो वो बात आप सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर मसला है तो फिर आप अपनी टीम भेजिए और आप आके देखिए सिक्योरिटी का मुद्दा कर रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन सवाल फिर आकर घूम फिर के वहीं रुक जाता है कि किस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर्स पर हम देखते हैं और बार बार यही कहा जाता रहा है कि अगर एक तरफ आप मैच की बात करते हैं एक तरफ आप अच्छे रिश्तों की बात करते हैं आप व्यापार की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ जब टेररिज्म आ जाता है। ठीक है मनोज जी हमारे साथ इस पर जुड़े हैं और वो इस पर जवाब देंगे। मनोज जी आपने दोनों ही मेहमानों को सुना जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बात अगर सिक्योरिटी की है तो प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी जो है वो टीम को मिलेगी और जो पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से लेटर लिखा गया उसमें तो बकायदा ये भी कहा गया कि मैच में एक एक वीक का गैप है यानी टीम जो है वो वापस भारत आ सकती है अगर वो वहां पर स्टे नहीं लेना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ दो बातें हैं, एक तो सुरक्षा वाली बात है जिसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है कुछ भी गलत नहीं है, अगर भारत इस बात की मांग करता है कि हमें सुरक्षा को लेकर खतरा है। अब आप देखिए राजीव शुक्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे बीसीसीआई के, उन्होंने एक किताब लिखी उसमें सचिन तेंदुलकर का भी हवाला दिया, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे पाकिस्तान से बहुत कुछ सम्मान मिला, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं वहाँ, सबसे मेरे दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक डर एक दहशत रहती थी पाकिस्तान जाने में। तो ये अपने आप में पूरे क्रिकेट बिरादरी का जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनको बयान करता है। इसी तरीके से अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, न्यूजीलैंड ने 2021 में क्यों ऐन वक्त पर पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था, क्यों इंग्लैंड की टीम 2003 में नहीं जा पाई, क्यों इंग्लैंद की टीम जो है 2003 में उसने रद्द किया, जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया था। अरे भाई ये राजीव शुक्ला साहब जोशी जी, राजीव शुक्ला साहब तो एशिया कप में आके हमारे लाहौर में खाने खा के गए हैं, आप उनकी किताब का हवाला दे रहे हैं। अभी 2 साल पहले राजीव शुक्ला साहब आपके और पिछले साल बनी साहब पिछले साल आए, उन्होंने लाहौर और जा के कह रहे थे कि हमें बात और अपनी फैमिली के साथ आए बादशाहों की तरह उन्होंने डिनर किया था वहां पर। आना वो एक अलग मुद्दा है लेकिन यहाँ पर अपनी किताब में खिलाड़ियों का हवाला देते हुए उनको कोट करना उससे ये जाहिर होता है, देखिए उससे माफ करना, उससे ये जाहिर होता है कि वहाँ सब कुछ खिलाड़ियों में दहशत है। अगर सचिन तेंदुलकर के समय में यदि खिलाड़ी दहशत में थे तो हो सकता है इस बात की संभावना से आज आप इंकार नहीं कर सकते कि आज के खिलाड़ी भी डरे हुए ना हो सहमे हुए ना हो उनसे भी राय ली जाती है। पूरी किताब में पाकिस्तान आप आइए पाकिस्तान उससे पहले मैं और रिजवान हैदर साहब आपको पूरा पाकिस्तान घुमाएंगे अपने साथ मिलके घुमाएंगे, आप आके पहले जायजा लेके जाइए कि आपको किसी से खौफ आता है,
आपको किसी से डर आता है, हम जहां जहां देखिए हमें रिजवान जी से और राणा बाबर हयात जी हमारे मित्र हैं, हमें इन पर कोई संदेह नहीं है। मुद्दा भारतीय टीम का और है। आप तो बहुत, आप यहाँ आएंगे हम भी आपकी बड़ी खातिरदारी करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप जाएंगे तो आप, हम जाएंगे तो आप भी हमारी बड़ी खातिरदारी करेंगे। यहाँ मुद्दा टीम का है, खिलाड़ियों का है। खिलाड़ी अगर दहशत में है तो फिर उसका कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। अच्छा देखिए, अगर सिक्योरिटी का कोई खदशात है तो उसका कोई तरीकाकार तो होता है ना, कोई एक लेवल होता होगा कि जी हमें इस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, तो आप उस तरह की अपनी डिमांड सामने रखिए कि आप ए बी सी डी हमें इस लेवल की सिक्योरिटी दीजिए, और फिर ये इनका काम होगा कि उनको पूरा करना। अब दो बातें, एक पहले देखिए ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, किसी सूरत में भी नहीं जाना, बात खत्म, कहानी खत्म। लेकिन अगर सिक्योरिटी का मसला है तो उसमें तो बात हो सकती है ना, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है। आप अपनी जिस भी लेवल की आपको सिक्योरिटी चाहिए आपको सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप उस पर बात करिए कि हमें जी इस लेवल की, टॉप नॉच लेवल की सिक्योरिटी चाहिए। और आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी जो बेस्ट अवेलेबल सर्विसेज है, वो टीम इंडिया जो कि इतनी हाई प्रोफाइल टीम है और सबसे बड़ी जो दुनिया में कंट्री क्रिकेट खेलती है उसकी टीम आएगी इतनी हाई प्रोफाइल, तो उसमें कोई कमी किसी तरह की छोड़ेगा? वो अपने पांव पे क्या खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? तो वो तो टॉप लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और फिर आपको अगर कह रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे कोई खदशा है किसी भी हवाले से, या इफ दे वांट टू गो बैक, तो 40 मिनट की फ्लाइट है, चार्टर त्यारे में अच्छे वीआईपी तरीके से आएंगे और जाएंगे। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यहाँ पे दूसरी तरफ से मिसिंग है। बॉल अब पाकिस्तान के कोर्ट में नहीं है, बॉल इंडिया के कोर्ट में है। और अगर ये हाइब्रिड मॉडल हो जाता है तो पाकिस्तान में तो 25-25 साल के बाद आईसीसी का इवेंट हो रहा है, इंडिया में तो हर दूसरे साल होता है। अभी अगले साल वहां पे एशिया कप होगा, उससे अगले साल T20 वर्ल्ड कप होगा, वहां तो हर दूसरे साल की कहानी है। तो फिर ये क्रिकेट के खेल के लिए भी अच्छा नहीं, तो इसका हल तो कहीं ना कहीं हमें ढूंढना होगा ना। अगर दोनों तरफ से तलवारें अगर निकली हुई हैं, तो मेरे ख्याल से एकमात्र हल इसका हाइब्रिड मॉडल है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी इसका समर्थन किया है, उसने कहा कि अगर भारत वहां नहीं जाना चाहता तो निश्चित तौर पर ये कहीं और जगह कराना चाहिए। देखिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि टूर्नामेंट कहीं और जगह हो, लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में इसका आयोजन किया जाता है तो कोई बुराई नहीं है। अब इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए। जोशी जी कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल ही एक ऑप्शन बचता है अगर इस तरह के हालात हैं। ये तो जोशी जी के पास बचता है ना। जोशी जी इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड, नॉट मी, ना बाबर हयात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ना जोशी जी हैं। हम तो अपनी राय दे सकते हैं ना। ये जोशी जी की ख्वाहिश हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान ना जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं इसका हल जो है एक हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, क्योंकि जितनी दूरी कराची से दुबई की है और वो श्रीलंका और बाकी जगह और जगह टूर्नामेंट को कराना, इंडिया के मैचों की बात कर रहा हूं मैं, वो व्यवहारिक नहीं है। तो इसलिए अगर भारत दुबई में जाकर खेले क्या बुराई है? अगर आने वाले समय में जवाब T20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान भी अपना हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दे सकता है। श्रीलंका में मुंतकिल कर दिया जाता और वहां पे कैंडी के स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा होता 2023 के वर्ल्ड कप में, तो इंडिया को कभी अच्छा ना लगता वो हाइब्रिड मॉडल। इंडिया उस वक्त क्यों खड़ा हुआ कि भाई ये आईसीसी इवेंट है, दिस इज नॉट इंडिया पर्सनल इवेंट, ये बीसीसीआई का इवेंट नहीं है, इवन ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। एंड सेम लाइक दैट, तो इस बात को राणा जी आपको भी तो समझना चाहिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात को समझना चाहिए कि आईसीसी का टूर्नामेंट है और जब सदस्य देश इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, आईसीसी कह रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं मान जाता, क्यों नहीं यहाँ पर इसको हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित करता, क्यों एशिया कप में मेजबान होते हुए पाकिस्तान जो है भारत को कहीं और जगह खेलना पड़ा था, तो इस तरह से आयोजन चाहती है। थोड़ा सा जोशी साहब आप ट्विस्ट कर रहे हैं, दुबई में खेले, मेक इट क्लियर, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए और हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। हाँ ये जरूर कहा है, इंडिया एक हकीकत है क्रिकेट की दुनिया में, आप सुपर पावर आप कह लें, उनके बगैर तो ये सोचा नहीं जा सकता कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हो, जो कि हकीकत है। अच्छा है रिजवान हैदर जी, कुछ तो आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ तो स्वीकार करते हैं कि क्या हमारा क्रिकेट है और कहाँ आप लोगों की टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, वक्त की कमी है हमारे साथ चर्चा में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए